हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मैजिकल बुक के बारे में, जिसका नाम है बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर, जिसे एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखा है। एलिजाबेथ गिलबर्ट एक अमेरिकन ऑथर, एसेइस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, बायोग्राफी नॉवलिस्ट एंड मेमोरिस्ट हैं। वो अपनी 2006 की बुक ईट प्रे लव के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जिसकी लाखों कॉपीज बिकी। ये न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक में से एक रही और इस बुक पर 2010 में जूलिया रॉबर्ट के साथ एक फिल्म भी बनाई गई थी। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना अलग किया है, जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास सब कुछ है, क्या ये लोग कुछ खास करते हैं, कुछ स्पेशल हैं? सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। आप इनमें से किस टाइप के इंसान हैं? क्या आप बोल्ड और फियरलेस हैं? क्या आप अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं? आप जो लाइफ में चाहते हैं उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो शायद अपनी क्रिएटिव जिंदगी नहीं जी रहे हैं। क्रिएटिव से हमारा मतलब ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपके अंदर हिम्मत हो, हिम्मत कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर शुरू करने की, 40 की उम्र में डांस सीखने की, अपनी खुद की किताब पब्लिश करवाने की, यानी कि जो आपका मन करे वो करने की। हम शायद इस बात से अनजान रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी कि हमारा टैलेंट। लेकिन हमारा ज्यादातर टैलेंट छुपा ही रह जाता है, क्योंकि हम अपनी क्रिएटिव जिंदगी जी ही नहीं पाते। एलिजाबेथ क्रिएटिविटी को इंसान और इंस्पिरेशन की मिस्ट्री के बीच का रिलेशन बताती हैं। वो ये भी कहती हैं कि ये यूनिवर्स हमारे अंदर अमेजिंग और कीमती ज्वेल्स को छुपाता है, और ये देखने के लिए पीछे खड़ा होता है कि हम उसे कैसे ढूंढते हैं। इन ज्वेल्स के ढूंढने के प्रोसेस को एलिजाबेथ क्रिएटिव लिविंग कहती हैं, और उसके रिजल्ट को बिग मैजिक कहती हैं। इस बुक को 6 चैप्टर्स में बांटा गया है: करेज, एन्चेंटमेंट, परमिशन, परसिस्टेंस, ट्रस्ट और डिविनिटी। तो चलिए इन सभी 6 चैप्टर्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। करेज, हिम्मत। एलिजाबेथ इस किताब की शुरुआत में एक राइटर की कहानी बताती हैं, जैक गिलबर्ट, जो कुछ साल पहले सबसे महान राइटर में से एक थे। जैसे दूसरे लोग मॉन्क बनते हैं, वैसे ही वो एक पॉइट बने थे। राइटिंग के लिए उनका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था और वो अपने काम से बहुत प्यार करते थे। उनकी राइटिंग बहुत ही फेमस थी। वो हैंडसम और पैशनेट थे। वो औरतों के लिए एक मैग्नेट थे और आदमियों के लिए एक आइडल। वो एक रॉकस्टार बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अकेले रहना चुना क्योंकि उन्हें फेम बोरिंग लगता था। हमें वो काम करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। एलिजाबेथ हमसे सवाल करती हैं कि क्या हमारे पास वो काम करने का करेज है जिससे हम प्यार करते हैं, और ये भी पूछती हैं कि क्या हमारे अंदर अपनी छिपी हुई क्रिएटिविटी को सामने लाने का करेज है। वो कहती है कि सभी में किसी न किसी ज्वेल को छुपाया गया है। इस ज्वेल को डिस्कवर करने के प्रोसेस को क्रिएटिव लिविंग कहा जाता है, और उससे आने वाले रिजल्ट को बिग मैजिक कहा जाता है। क्रिएटिव लिविंग का मतलब हमारी जिंदगी को आर्ट की फील्ड में डिवोट करना नहीं होता है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो फियर से ज्यादा क्यूरियोसिटी से इंस्पायर्ड है, और क्रिएटिव लाइफ जीना शुरू करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एलिजाबेथ के दोस्त सुजैन ने 40 साल की उम्र में अपनी स्केटिंग जर्नी फिर से शुरू की, जिसे उन्होंने बचपन में रोक दिया था। यहाँ तक कि जब वो 40 साल की उम्र की थी, तब भी उन्होंने 15 साल की उम्र की तरह इसको एंजॉय किया। डर कई तरीके के होते हैं। किन्हीं को टैलेंटेड ना होने का डर होता है, किसी को रिजेक्ट हो जाने का, और किसी को इग्नोर होने का डर होता है। एलिजाबेथ बहुत सी चीजों से डरती थी। वो समुद्र से और बर्फ में जाने से डरती थी, और घर का टेलीफोन उठाने से भी डरती थी। उनकी माँ चाहती थी कि एलिजाबेथ इन डर को दूर करे, और उन्होंने एलिजाबेथ को समुद्र में और बर्फ में खींचकर उतारा और उन्हें घर में टेलीफोन का जवाब देने के लिए इंचार्ज बनाया। फाइनली एलिजाबेथ ने हिम्मत के साथ अपने डर का सामना किया। एक इंसान को उन डर का सामना करना चाहिए जिससे वो फ्री होना चाहता है। डर एक बोरिंग चीज है, और इसे दूर करने के लिए हमें बार बार इसका सामना करना पड़ता है। जब हम क्रिएटिव लाइफ जीना शुरू करते हैं, तो डर ही पहली चीज है जो हमारे सामने आती है, क्योंकि डर क्रिएटिविटी के कारण होने वाली अनसर्टेनिटी से बहुत नफरत करता है। जब एलिजाबेथ को उनके डर का सामना करने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने देखा कि यह हर रोज एक ही बात थी। जिस तरह जैक गिलबर्ट फेम से बोर हो चुके थे, एलिजाबेथ डर से बोर हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों के लिए हर रोज एक जैसा ही था। हम हमारे अंदर के डर को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि डर और क्रिएटिविटी जुड़े हुए ट्विंस की तरह हैं। वो एक साथ रहते हैं। हमें डर को हमारे अंदर एक जगह देनी चाहिए, और ये पक्का करना चाहिए कि हमारी क्रिएटिव लाइफ में इंटरफेयर ना हो। क्रिएटिव लाइफ छोटी, रेयर,
अमेजिंग और मिराकुलस होती है और हमें इस छोटे से पीरियड में इंटरेस्टिंग चीजें करनी हैं। एन्चेंटमेंट, आकर्षण। एलिजाबेथ के पति फिलिप ने उन्हें अमेजॉन के जंगल पर बेस्ड एक कहानी सुनाई थी। जैसे ही एलिजाबेथ ने वो कहानी सुनी, उन्हें थोड़ा चक्कर आया। उनके गर्दन के बाल एक सेकंड के लिए खड़े हो गए थे। एलिजाबेथ के साथ पहले भी ये फीलिंग हो चुकी थी और वो जान चुकी थी कि क्या होने वाला है। और वो कहती हैं कि जब कोई आइडिया हमारे पास आता है तो हमें वैसी ही फीलिंग आने लगती है और वो उस फीलिंग को इंस्पिरेशन बुलाती हैं। उस इंस्पिरेशन से उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर पर बेस्ड एक फिक्शनल बुक लिखना शुरू किया जो अमेजॉन के जंगल के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एलिजाबेथ ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिएटिविटी की डिवोशन में बिताई और वो जानती थी कि ये कैसे काम करती है। वो ये भी मानती थी कि क्रिएटिविटी एन्चेंटमेंट की फोर्स है और क्रिएटिविटी का प्रोसेस मैजिकल है। वो कहती हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी में एक बार इस आइडिया से गुजरा होगा, लेकिन हम अपने काम, चिंताओं, डिस्ट्रैक्शंस और ड्यूटीज में बिजी होंगे। आइडिया हमारे आंसर का इंतजार करता है। जब उसे एंड में पता चलता है कि हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो वो फिर किसी और के पास चला जाता है। लेकिन कभी कभी एक गजब का दिन आता है जहां हम अपने डिस्ट्रैक्शन से फ्री होते हैं। आइडिया एंड में सवाल करता है कि क्या हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, और इस क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं, हाँ या ना। क्या होता है जब हम ना कहते हैं? किसी आइडिया को ना कहने का मतलब है कि हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है और वो आइडिया किसी और के पास चला जाता है। और किसी आइडिया को ना कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में हर आइडिया हमारे लिए सही नहीं है। क्या होता है जब हम हाँ कहते हैं? हाँ कहने का मतलब है कि हमने इंस्पिरेशन से कॉन्ट्रैक्ट किया है और हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स डिसाइड करते हैं। इस आइडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाने के दो अप्रोचेस हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए सफर करना, क्योंकि इस अप्रोच में जो कुछ भी मैटर करता है वो है काम। दूसरा है इंस्पिरेशन के साथ पूरा कोऑपरेट करना। हिस्ट्री के महान लोगों ने इसी अप्रोच को अपनाया था। इसमें हम क्रिएटिविटी के साथ जीते हैं। हमें अपने काम को हमारे डेडिकेशन से मेजर करना चाहिए, ना कि सक्सेस या फेलियर से। कुछ आइडियाज इंस्टेंटली आते हैं और चले जाते हैं, जैसे एलिजाबेथ ने ट्रेन में एन्चेंटमेंट पर एक कहानी लिखी जब वो एक नैप ले रही थी और ये अचानक से उनके पास आ गई। लेकिन वो हर दिन नैप लेती हैं, लेकिन उस कहानी के अलावा उनके पास कोई आइडिया नहीं आया। हम बस इतना कर सकते हैं कि आइडियाज के लिए थैंकफुल रहें। हम नहीं जानते कि आइडिया कब हमारे पास आता है। हम नहीं जानते कि ये हमारे पास क्यों आता है। हम नहीं जानते हैं कि ये क्यों नहीं आता है। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि आइडिया किसके पास आ रहा है। हम बस इतना जानते हैं कि हमें क्रिएटिविटी के साथ कोलैबोरेट करना है। परमिशन, अनुमति। ऑथर का राइटिंग का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। उनके पिता एक केमिकल इंजीनियर थे और उनकी माँ एक नर्स थी। उनके परिवार में किसी का भी राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि उनके पिता भी इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में बनाया गया। कुछ साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके लिए सही काम नहीं है। वो बकरियों को पालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल की बात सुनना शुरू कर दिया और बकरियों को पालना शुरू कर दिया। उनके पिता को ये बताने से नफरत थी कि क्या करना है। एक बार जब वो नेवी में थे तो उन्हें एहसास हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है और किसी को दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने अपने ऑफिसर को एक सजेशन दिया कि वो सजेशन बॉक्स को हटा दे। हमें क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो करना चाहिए और किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एलिजाबेथ की दोस्त, जिनका नाम एलीन था, उन्हें अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाने का शौक था। वो अपने शरीर पर टैटू बनवाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एलीन जवाब देती थी कि वो टैटू परमानेंट है, लेकिन शरीर टेम्पररी है। एलिजाबेथ कहती हैं कि हमें खुद को डेकोरेट करना चाहिए और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे हमें खुद बोलते रहना चाहिए। जैसे कि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। हमें जो पसंद है उसे करने के लिए हमें डिग्री की जरूरत नहीं है। एलिजाबेथ के पास पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री होने के बावजूद भी उन्हें राइटिंग में इंटरेस्ट था। अमेरिका में 1901 से लिटरेचर फील्ड में 12 लोग नोबेल प्राइज जीत चुके थे और किसी के पास भी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री नहीं थी, और उनमें से चार ने तो कभी भी हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। लेकिन तब भी वो राइटर बनने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात को सुना। हाँ, क्रिएटिविटी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन किसी को अपने ज्वेल को डिस्कवर करने के रास्ते में बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और अपने फ्यूचर को सेफ रखना चाहिए। महंगी क्लासेस लेने की बजाय अपने स्किल पर काम करना चाहिए। हमें सामने टीचर्स की कोई जरूरत नहीं है, हम उनके वॉइस रिकॉर्डिंग्स और उनकी राइटिंग से भी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी चार्ल्स डिकेंस से कभी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सालों तक उनकी राइटिंग को पढ़कर उनसे सीखा। और एक बड़ी बात, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि एंड में काम करने वाले हम ही होते हैं। एलिजाबेथ ने क्लासेस लेने की बजाय एक बारटेंडर बनके काम किया और अपनी राइटिंग्स को पब्लिशर्स को भेजती रही, और हर बार वो रिजेक्ट होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखना जारी रखा क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी जिंदगी राइटिंग के साथ ही जिएंगी। वो कुछ दोस्तों से मिली जिनका भी राइटिंग में ही इंटरेस्ट था, और उन्होंने कुछ फ्री वर्कशॉप्स की और बहुत इंजॉय किया। कंप्लेन बंद करने के 4 रीजन है। पहला, ये बहुत ही अनोइंग है और बोरिंग टॉपिक है। दूसरा, चीजों को बनाना मुश्किल है और अगर ये मुश्किल नहीं होता तो हर कोई इसे कर रहा होता। तीसरा, कोई किसी की कंप्लेंट को नहीं सुनता। और चौथा, हम इससे अपने इंस्पिरेशन को डराते हैं क्योंकि हर बार जब हम कंप्लेंट करते हैं तो इंस्पिरेशन नाराज हो जाती है। हमें कंप्लेंट करना बंद कर देना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी का मजा लेना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारी इंस्पिरेशन हमें और आइडियाज भेजती है। टैलेंट किसी को सफल नहीं बनाता है, और एलिजाबेथ कहती हैं कि उन्होंने ऐसे शानदार लोग देखे हैं जिन्होंने अपने टैलेंट से कुछ भी नहीं बनाया है। एलिजाबेथ को विश्वास नहीं था कि उनकी किताब ईट प्रे लव इतनी फेमस होगी। उन्होंने फिलिप से कहा था कि कोई भी उस किताब को नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन एंड में 12 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस किताब को पढ़ा। हम जो काम कर रहे हैं उसे भरोसा नहीं खोना चाहिए, हमें आगे चलते रहना चाहिए। ये जीवन का नेचुरल ऑर्डर है। हमें रिएक्शंस और एंड रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें जिस चीज की चिंता करनी है वो है हमारा काम, इसलिए हमें अपना काम करते रहना चाहिए, और ये किसी और का नहीं बल्कि हमारा खुद का काम है। परसिस्टेंस, दृढ़ता। काम करने के लिए संकल्प लेना जरूरी है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम करने के लिए खुद से प्रॉमिस करना होगा और एक डेडलाइन सेट करनी होगी। इसका मतलब है कि हम इस यूनिवर्स के लिए बस संकल्प करते हैं और हम रिजल्ट की केयर नहीं करेंगे, और हमेशा कंसिस्टेंटली काम करेंगे। जैसे एलिजाबेथ ने यूनिवर्स से वादा किया था कि वो हमेशा के लिए राइटिंग के फील्ड में काम करेंगी, और किसी को अपनी क्रिएटिव लाइफ से कभी भी उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए नहीं कहना चाहिए। किसी को कुछ भी एक्सपेक्ट किए बिना काम करना होगा। हमें अपने बिल खुद भरने होंगे, और हमारी क्रिएटिव लाइफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये यूनिवर्स हमें उस और ले जाता है जो हम बनना चाहते हैं। एलिजाबेथ ने अपना 20s बास्केटबॉल खेलकर या पेस्ट्री बनाकर या हर एक दिन ऑटो मैकेनिक्स का एक चैप्टर पढ़ के बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने राइटिंग सीखी क्योंकि वो राइटिंग के लिए कमिटेड थी, और नई चीजें सीखने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। एलिजाबेथ के दोस्त विनफ्रेड ने मेसोपोटामिया की हिस्ट्री के बारे में 80 साल की उम्र में सीखना शुरू किया और उसे अपना पैशन बना लिया। उन्होंने एक डिकेड से भी ज्यादा समय तक सीखने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया था। जब दुनिया कहती है तब हमारी एजुकेशन खत्म नहीं होती है, वो तब खत्म होती है जब हम बोलते हैं कि वो खत्म है। अगर हम सच में उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमें दूसरों की बात सुनना करना बंद कर देना चाहिए और काम पर ध्यान देना चाहिए। एलिजाबेथ ने 3 किताबें पब्लिश करने के बाद भी बस सेफ साइड पर रहने के लिए अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी। उसके बाद जब उन्होंने देखा ईट प्रे लव एक बड़ी हिट बन गई है, उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। कुछ लोग अपने बिल्स को भरने के लिए अपनी आर्ट को यूज करना चाहते हैं, ऐसे करके वो अपनी क्रिएटिविटी को मार देते हैं। इसके बजाय किसी को अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और पूरी तरह से क्रिएटिविटी पर रिलाई नहीं होना चाहिए। जॉब करने में कोई इंसल्ट नहीं है। जब एलिजाबेथ इंडिया आई थी तो उन्हें एक बार एक आदमी का सामना करना पड़ा जिसके पास सिर्फ एक बैल था और कुछ नहीं। उसने उसके एक सींग को पिंक कलर से और दूसरे को ब्लू कलर से पेंट किया था। उसने बैल के गले पर छोटी छोटी घंटियां भी चिपका दी थी जिससे एक चीयरफुल आवाज आती थी। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी से उसके पास शहर का सबसे इंटरेस्टिंग दिखने वाला बैल था। उसी तरह हमें अपने काम को डेकोरेट करना है, और ये उसमें एक चार्म ऐड करता है। हम जिस लाइफ को लीड कर रहे हैं वो हमारे लिए बोरिंग नहीं होनी चाहिए। हमें क्रिएटिव चीजें करनी है जो हमें खुशी देती हैं, और हमें एक चीयरफुल लाइफ जीनी है। कुछ लोग मुश्किल और इनकन्वीनियंस आने पर भी काम करने में लगे रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम के लिए खुद को कमिट किया है। उनका अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक रिलेशन है। हमें खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हम अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक रिलेशन बना रहे हैं। हमें अपने काम के साथ डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए। हमें हर एक चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, इम्परफेक्ट होना ठीक है। एलिजाबेथ का कहना है कि परफेक्ट होने की कोशिश करने का मतलब है कि हम डर रहे हैं। हमें टाइम बर्बाद करना बंद करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। हम अपने 20s और 30s को इस टेंशन में बिताते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम हमारे 40s और 50s में इस बात की केयर करना बंद कर देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और जब हम फाइनली 60s और 70s तक पहुंचते हैं तो हमें एहसास होगा कि कोई भी हमारे बारे में सोच नहीं रहा था। तब हमें एहसास होता है कि हमने ये सोचकर अपना टाइम बर्बाद किया कि दूसरे हमारे बारे में क्या बात करते हैं।
हमें इस बारे में चिंता करना बंद करना होगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हमें खुद से प्यार करना चाहिए और दूसरों के बजाय खुद के बारे में सोचना चाहिए। ट्रस्ट, विश्वास। एलिजाबेथ के दोस्त ने एक बार अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो अपनी आर्ट से प्यार करते हैं, और सभी ने हाथ उठाया। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या उनकी आर्ट भी उन्हें उसी तरह से प्यार करती है जैसे वो आर्ट से प्यार करते हैं, और किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। हर किसी को लगता है कि उनकी आर्ट उन्हें प्यार नहीं करती, और ये फील करना पूरी तरह से गलत है। हमारी आर्ट हमें वैसे ही प्यार करती है जैसे हम उससे प्यार करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि राइटिंग से वो सफर करते हैं, और वो कहते हैं कि इससे उनका दिमाग हिल जाता है, ये उन्हें पनिश करती है और उन्हें बर्बाद कर देती है, और उन्हें लगता है कि ये सफरिंग अच्छी है और क्रिएटिव जीने का मतलब है सफर करना। एलिजाबेथ की दोस्त कैटी को भी ऐसा ही लगा, और उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा कि उन्हें जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो चाहते थे कि कैटी डर से फ्री हो, लेकिन सफरिंग कभी भी इंसान को सक्सेसफुल नहीं बनाती है। हमें जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस पर भरोसा करना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। रास्ते पर भरोसा करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन दुख सहना एक डेंजरस रास्ता है और ये एक आर्टिस्ट को मार भी सकता है। हम एक बैटलफील्ड में अपना घर बना रहे होते हैं, और इंस्पिरेशन हमेशा हमारे साथ काम करने की कोशिश कर रही है, और हमें इस पर भरोसा करना होगा क्योंकि ये हम पर भरोसा करती है। अक्सर लोग काम करने के लिए कम इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, फिर कुछ लोग उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने की एडवाइस देते हैं। किसी को पैशन को फॉलो करने की एडवाइस देना एक अननेसेसरी एडवाइस है, क्योंकि अगर किसी के पास एक क्लियर पैशन है तो वो उसे पहले ही फॉलो कर रहे होते, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वहीं क्यूरियोसिटी आती है। क्यूरियोसिटी एक शुरुआत है और एक एंड भी। जब हम हमारे पैशन को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तब क्यूरियोसिटी से हमें मदद मिलती है। क्यूरियोसिटी हमें नई चीजें करने के लिए क्लूज भेजती है, और कभी कभी हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव बन जाता है। एलिजाबेथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि कैसे उन्होंने प्लांट्स और साइंस और एवोल्यूशन के बारे में एक बड़ी कहानी लिखना शुरू किया। उन्होंने इसे तब शुरू किया जब उन्हें अपने लिखने में और पैशन नहीं दिख रहा था, और उन्हें अपने गार्डन में क्यूरियोसिटी के छोटे छोटे क्लूज मिले जो उन्हें एक किताब को लिखने की ओर ले गया। वो बताती हैं कि ये भी एक बिग मैजिक है। हमें उस तरह का क्रिएटिव काम करना चाहिए जो हमारे दिमाग को एंजाइटी और प्रेशर से हटा दे। ऑस्ट्रेलियन पॉइट क्लिफ जेम्स, जिन्हें राइटिंग में मेजर फेलियर का सामना करना पड़ा, वो बहुत डिप्रेस थे। उन्होंने अपनी बेटी की साइकिल को पेंट करना शुरू किया, और उन्होंने उस पर तारे ड्रॉ किए जो उनकी बेटियों को पसंद है। उनकी बेटी के सारे दोस्त अपनी साइकिल लेकर आए ताकि वो उसे जेम्स से पेंट करवाएं। उनके गार्डन के सामने एक लाइन बन गई। जब तक उन्होंने साइकिल को पेंट किया तब तक वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ गए और अपनी राइटिंग को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने डिप्रेशन को ट्रिक किया था और कुछ दूसरे क्रिएटिव काम किए थे, और बिग मैजिक में वापस आ गए थे। एलिजाबेथ एक छोटे लड़के की कहानी शेयर करती हैं। उन्होंने ये कहानी अपने भाई से सुनी थी। एक छोटा लड़का, वो भी एक राइटर था, वो बहुत इंटेलिजेंट और पैशनेट था। एक बार उसे एक पार्टी में बुलाया गया जिसमें राइटर्स आए हुए थे। वो एक लॉबस्टर की तरह कपड़े पहनकर पार्टी में गया। जैसे ही उसने पार्टी हॉल में एंटर किया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और गलती ये थी कि उसे नहीं पता था कि पार्टी की एक थीम थी, वो थीम थी कोर्ट की। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो वो भाग जाता, लेकिन उस छोटे लड़के ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों में से एक ने छोटे भाई से पूछा कि वो कौन था, और उसने जवाब दिया कि वो एक लॉबस्टर लॉयर था, और सभी उस पर हंसे। छोटे भाई को सभी ने पसंद किया, और उन्होंने हॉल के बीच में डांस किया, और सभी ने उस रात का मजा लिया। छोटा भाई डरता नहीं था और उसे अपनी गलती पर शर्म नहीं आई, और उसने वही किया जो उसके दिमाग में था। अगर हमें खुद पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है तो हम इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। डिविनिटी, दिव्यता। फाइनली एलिजाबेथ बेलिनीज डांस फॉर्म की एक स्टोरी शेयर करती है जो सबसे महान आर्ट फॉर्म में से एक थी, और ये एक होली डांस है। लेकिन कुछ लोग और प्रीस्ट कुछ रिजॉर्ट्स में लोगों को एंटरटेन करने के लिए इस होली डांस का यूज कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसे गलत पाया और उन्हें इसे रोकने के लिए कहा, और बेलिनीज लोगों ने इसे मानकर उस डांस फॉर्म को हटा दिया और सिर्फ फेस्टिवल पर इसका यूज करने के लिए मान लिया। उन लोगों ने दूसरे डांस फॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया और एक और इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म की खोज की। उन प्रीस्ट ने अचानक पुराने होली डांस फॉर्म को नए डांस फॉर्म में रिप्लेस कर दिया और इसे एक होली डांस बना दिया। लोग इस एक्शन से पूरी तरह से कंफ्यूज थे और होली डांस को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, वो बस उन्हें देख सकते थे। ये प्रीस्ट की उनकी डांस और उनकी आर्ट के थ्रू पैसा कमाने की चाल थी। क्रिएटिविटी सेक्रेट है और सेक्रेट नहीं भी, ये दोनों का एक ब्लेंड है, और हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए इस ब्लेंड की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। हम में से जब भी कोई किसी काम को करना चाहता है तो हम उसे बड़े पैमाने पर करते हैं।
लेकिन जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है वो इतने जरूरी नहीं रह जाते। हमारे हर एक काम में दिव्यता होती है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास कला की क्रिएटिविटी है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इन 6 लेसन्स करेज, एन्चेंटमेंट, परमिशन, परसिस्टेंस, ट्रस्ट और डिविनिटी से कुछ नया सीखा होगा। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो को कुकू FM ने स्पॉन्सर किया है। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि हम कुकू FM के बारे में हमेशा बात करते हैं, क्योंकि हमें जनरली लगता है कि आजकल के वक्त में जहाँ सही नॉलेज का होना इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस नॉलेज का सोर्स क्या है। हम खुद भी बुक की समरी को बनाने से पहले एक बार उस बुक को कुकू FM पर जरूर सुनते हैं। आप भी कुकू FM को डाउनलोड करके हजारों ऑडियो बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको सुनने के लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल करते हुए, कुछ खाते हुए, वॉक करते हुए आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब आपको पूरे एक साल के लिए देने होंगे 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।